हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 13, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। और बच्चों, ये चैप्टर हमने तीन कैटेगरीज के अंडर स्टडी करना है। सबसे पहले हम अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड, ठीक है, और थर्ड में हम डायोजियम सॉल्ट की केमिस्ट्री जो है वो स्टडी करेंगे। सो आइए सबसे पहले अमाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अमाइंस बेसिकली क्या है? दीज आर दी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला आपको पता है, NH3 होता है। अगर आप यहाँ पे इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर अराइल ग्रुप के साथ, तो अकॉर्डिंगली बच्चे आपको मिलेंगे, अगर एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप आप चेंज करते हो तो आपको प्राइमरी अमीन्स बने मिलेंगे, ठीक है। अगर आप दो अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो तो आपको मिलेंगे बच्चे सेकेंडरी अमीन, ठीक है, क्या मिलेंगे? सेकेंडरी अमीन। सिमिलरली अगर आप तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो विद अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, तो बच्चों आपको मिलेंगे टर्शरी अमीन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अमाइंस, अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड जिनमें बच्चे नाइट्रोजन एटम जो है क्वार्टनरी होता है वो भी पॉसिबल हो सकते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल बच्चे आ जाती है NH4, ये अमोनियम सॉल्ट अमोनियम आयन आ गया, इसके साथ काउंटर आयन जैसे कि सपोज हैलोजन लगा दी हमने, हैलाइड आयन, ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? अमोनियम हैलाइड। और ये अमोनियम हैलाइड में जो हाइड्रोजन है दे आर रिप्लेसेबल बाय द अल्काइल ग्रुप ऑल्सो, तो इट मीन्स अगर आप चार अल्काइल ग्रुप के साथ इसको रिप्लेस कर दो चारों हाइड्रोजन को, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, या फिर इसको हम क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बच्चे क्लासिफिकेशन। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो ग्रुप्स। तो बच्चों, अमीनो ग्रुप क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव हैं और अमोनिया की स्ट्रक्चर तो आपको मुझे लगता है पता होगी सभी को कि ये होती है पिरामिडल शेप, ठीक है। पिरामिडल शेप होने का कारण क्या है इसकी ज्योमेट्री? क्योंकि पहले तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने के कारण यहाँ पे जो शेप है नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से पिरामिडल शेप आ जाती है, और रिपल्शन होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो भी चेंज कर जाता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट से 107 डिग्री रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अब अमोनिया डेरिवेटिव की, जैसे कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन, सभी की पिरामिडल ही आएगी, ज्योमेट्री जो है पिरामिडल ही होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है बच्चे यहाँ पे फिक्स नहीं रहता। फिक्स इसलिए नहीं रहता क्योंकि जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज करता है तो स्टीरिंग हिंड्रेंस इंक्रीज करती है। अगर प्राइमरी ग्रुप की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में, इसमें बच्चे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ अराउंड 107 डिग्री, और जो टर्शरी अमीन है, अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, ये भी बात है, ठीक है, तो ये एंगल जो है 108 डिग्री यहाँ पे रहता है। कारण क्या है? ड्यू टू दी स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, तीन तीन आर ग्रुप आ गए, स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण रिपल्शंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है बिटवीन दी अल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो हम ये बोलेंगे कि ज्योमेट्री पिरामिडल है, ठीक है, जो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो फिक्स नहीं है, दैट विल डिपेंड अप ऑन दी कि कैसा वहाँ पे अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये थी स्ट्रक्चर। उसके बाद अब बच्चे बारी आती है नोमेनक्लेचर में। सबसे पहले हम एलिफैटिक अमाइन की बात करेंगे। एलिफैटिक अमाइन में सबसे पहला मेंबर बच्चे प्राइमरी अमीन का ही आता है, और प्राइमरी अमीन का बच्चे IUPAC नेम ही मैं सीधा लिख देता हूँ, वो होगा इथेन अमाइन, ठीक है, मिथेन अमाइन सॉरी। तो मिथेन अमाइन, मिथेन का डेरिवेटिव है, आपने क्या ई निकाल दिया, वहाँ पे अमाइन ग्रुप जो है अमाइन वर्ड लगा देना है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इथाइल ग्रुप है, यानी कि C2H5 ग्रुप यहाँ पे लग गया, तो इसका IUPAC नेम जो है वो बन जाएगा फिर इथेन अमाइन, ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये बन गए प्राइमरी अमीन्स की नोमेनक्लेचर, दो मेंबर हमने कर लिए। ऐसे ही बच्चे अगर आपके पास सेकेंडरी अमीन आ जाते हैं, सपोज दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है, तो इसका नाम बच्चे नोमेनक्लेचर कैसे आएगा? एन मिथाइल, ये याद रखना है, इसको हमने लिखना कैसे? एन मिथाइल इथेन मिथेन अमाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मिथेन एन मिथाइल मिथेन अमाइन इसका नेम होगा, ठीक है।
मीथेन अमाइन, ओके। और अगर एक साइड पे इथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है, फिर इसका नेम कैसे आना है, ये अब यहाँ से आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि नाइट्रोजन के साथ ये वाला जो ग्रुप होगा इसको हमने मिथाइल ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, मिथाइल, और ये आ गया आपका इथेन, ठीक है, इथेन अमाइन। तो ऐसे बच्चे इसका नोमनक्लेचर हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिथाइल एन मिथाइल नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगाए, साथ में ये मिथेन अमाइन बन गया। ऐसे यहाँ पे एन नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लग गया, तो साथ में दो कार्बन इसके साथ और है, तो इथेन अमाइन इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चे अगर हम बात करें टर्शरी अमीन्स की, तो टर्शरी अमीन में बच्चे एग्जांपल ले लेते हैं CH3N, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप आप लगा दोगे तो इसका नाम कैसे आएगा, इसको आपने लिखना है N,N-dimethyl, ठीक है, N,N-dimethyl मिथेन अमाइन, डाईमिथाइल मिथेन अमाइन, ठीक है, N यहाँ पे आना है, ओके। मतलब मिथेन अमाइन है ये, N-A-N-A-M-E-M-I-N-E, ठीक है। सिमिलरली अगर मिथाइल की जगह एक इथाइल ग्रुप अगर आप लगा दो, फिर इसका नेम क्या आएगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो N,N-dimethyl, साथ में क्या आएगा, इथेन अमाइन, ठीक है। सो ये टर्शरी अमाइन के नोमनक्लेचर हो गए। सिमिलरली बच्चों अराइल अल्काइल अमाइन इसकी भी बात कर लेते हैं। अराइल अल्काइल में यहाँ पे साथ में अराइल भी लिख लेना, अराइल अल्काइल अमाइन, तो इसमें क्या होगा, सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH2NH2 ग्रुप लगाए, तो इसका नाम क्या आएगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी फिनाइल मिथेन अमाइन, फिनाइल मिथेन अमाइन, याद रखना, ठीक है। या फिर बेंजाइल अमाइन भी, इसको कॉमन नेम बेंजाइल अमाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा ग्रुप क्या होता है, बेंजाइल। आगे बढ़ते हैं बच्चे एरोमेटिक अमाइन के नोमनक्लेचर में, तो इसमें सबसे पहला मेंबर जो है वो आता है एनिलीन, ठीक है, NH2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम एनिलीन कॉमन नेम बोलते हैं, और इसका जो आयुपैक नेम होगा दैट विल बी बेंजीन अमाइन, ठीक है, बेंजीन क्या होगा, अमाइन इसका आयुपैक नेम होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो इसको 2-methyl एनिलीन बोल देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे इसके नेम जो है आते जाने। एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप के साथ, अब इसका नेम क्या आएगा, याद रखना इसका नेम आएगा N-methyl एनिलीन, ठीक है, N-methyl एनिलीन, जहाँ फिर इसका एक और नाम हो सकता है N-methyl बेंजीन अमाइन, ठीक है, ये इसका नेम होगा, ओके। अगर दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप आ गए, सपोज ये दो आ गए, तो यहाँ आ जाएगा फिर N,N-dimethyl, ठीक है, आपने क्या लिखना है, N,N-dimethyl, ये समझने की बातें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए, N,N-dimethyl एनिलीन, ठीक है, तो इसका नेम होगा, फाइन। तो ये नोमनक्लेचर हो गया। अब बच्चे बारी आती है जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस की। बच्चे सबसे पहला मेथड जो है दैट इज हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड, और इस केस में बच्चों क्या है, अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। अल्काइल हैलाइड को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इसमें जो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ऐसे कुछ बन जाएगा RNH3X-, ठीक है। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में ये फर्दर प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस NaOH आप इसमें डालोगे तो ये इसमें किस में कन्वर्ट कर जाएगा, प्राइमरी अमीन में, साथ में यहाँ पे वाटर और जो NaX ये कंपाउंड ऐसे निकल जाएगा, ठीक है जी। तो इट मीन्स यहाँ पे प्राइमरी अमीन बने, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, यहाँ से फर्दर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अमीन इन ए सिमिलर वे, ठीक है, और बाद में फिर यह क्या है, टर्शरी अमीन में भी कन्वर्ट कर सकता है, और टर्शरी अमीन के बाद बच्चे इसके आगे फर्दर जो है क्वार्टनरी सॉल्ट भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। क्वार्टनरी सॉल्ट के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मतलब कि इसमें हम बात ये बोलेंगे कि मिक्सचर ऑफ अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन अलॉन्ग विद क्वार्टनरी कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे जब अल्काइल हैलाइड
अमोनिया के साथ या एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा अंडर दी सील्ड ट्यूब्स, जिसमें बच्चों टेम्परेचर रहता है 373 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और ये बच्चे एक रिएक्शन है जिसमें हुआ क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी डिस्कस करी थी। मैकेनिज्म इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। और बच्चों एक बात और है, इसकी एक लिमिटेशन है कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग दी अराइल अमीन्स, यहाँ से अराइल अमीन नहीं बना सकते, मतलब कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये भी याद रखना है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि जो अराइल हैलाइड है, आप लोगों को पता है अराइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है, तो अगर आप अराइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है, सपोज क्लोरोबेंजीन ही है, तो उसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कम होती है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ ये, ठीक है जी। तो इसी वजह से बच्चों हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, इस मेथड से हम एनिलीन नहीं बना पाएंगे, ठीक है, लेकिन अंडर दी प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल कैटलिस्ट और अप्रोप्रिएट कंडीशन से बच्चों आप चेंज कर सकते हो क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में। उसके लिए बच्चों क्या है, इसकी अमोनिया के रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड एट 473 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर यू कैन चेंज दी क्लोरोबेंजीन इनटू एनिलीन, ठीक है। तो ये है कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब स्पेशल मेथड हो गया, ठीक है, लेकिन अमोनोलाइसिस मेथड से आप एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद अमोनिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड तो बच्चों ईजी है, नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप, इसकी आपने रिडक्शन करवा देनी है। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, आपको पता ही है, तो ये चेंज इसमें कर जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू अमाइन, ठीक है, यहाँ पे अमाइन प्राइमरी अमीन जो है फॉर्मेशन होगी। रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन कौन सा यूज कर सकते हो, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, सिमिलरली निकल, हाइड्रोजन, ठीक है, ये यूज कर सकते हो, सिमिलरली जिंक, ZnNaOH, सिमिलरली बच्चे प्लेडियम, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आ गए आपके, इनकी प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर सकते हो, इन विच द नाइट्रो ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू अमाइन ग्रुप, ठीक है जी। और ऐसे ही बच्चे एरोमेटिक एनिलीन भी आप यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, सपोज वी हैव दिस मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड की आपने रिडक्शन करवा दी, रिडक्शन के लिए अगेन बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यूज़ कर रहे हो तो फिर मैडनेस रिएक्शन इसको बोलते हैं, सोडियम एंड अल्कोहल का मिक्सचर यूज़ करते हैं, और ये भी बच्चे प्राइमरी अमीन में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें भी क्या बनेंगे, प्राइमरी अमीन, यानी कि ये बन गया इथाइल अमाइन, ठीक है, क्या बन गया, इथाइल अमाइन। सिमिलरली अदर रिड्यूसिंग एजेंट आप वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन किसकी थी, नाइट्राइल की, जो प्रीवियस रिएक्शन करी वो नाइट्रो कंपाउंड की करी, ओके। तो नाइट्रो कंपाउंड भी अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमाइन, और अगर आप नाइट्राइल यानी कि साइनाइड आपके पास है तो साइनाइड की भी रिडक्शन करने के बाद आप अमाइन बना सकते हो। ये हमने रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आपको ये साइनाइड की स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, ये हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड चैप्टर में कि अल्कोहल की आप SOCl2 के साथ डार्जन प्रोसेस करवा दो, तो डार्जन के बाद ये बच्चे अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड की फर्दर KCN के साथ रिएक्शन करवा दो तो आपको अल्काइल साइनाइड बनेंगे, जिसमें आपको पता है KCN आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड होने के कारण कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा और RR बॉन्ड जो है, RC बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए यहाँ पे साइनाइड बनेंगे, ठीक है। तो आगे बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन इज बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम पीछे वाली रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम ये यूज कर लेंगे, लेकिन रिएक्शन किसकी है, अमाइड की, तो अमाइड का फार्मूला क्या होगा, RCONH,
ठीक है, प्राइमरी अमाइड है, प्राइमरी अमाइड की आपने करवानी है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये इथरनल सॉल्यूशन होगा इथर की प्रेजेंस में, और उसके बाद जहाँ फिर आप Na C2H5OH ये वाला ग्रुप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इसको किस में चेंज कर देंगे, प्राइमरी अमीन में, ठीक है, प्राइमरी अमीन में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद बच्चे हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, डिग्रेडेशन रिएक्शन या रिएक्शन, तो इसमें क्या है, अमाइड की ही रिएक्शन है, ये अमाइड की रिएक्शन है, अमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ है, ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, और ये चेंज करता है प्राइमरी अमीन में, ठीक है। साथ में बच्चों पोटाशियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट KBr ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, और साथ में वाटर, ठीक है। और ये रिएक्शन में बच्चे हम जो हमारा जो अमाइन बने हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक कार्बन जो है लेस आ रही है, ठीक है। सो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन जो है वन कार्बन विल बी लेसर, ठीक है, देन दी पेरेंट अमाइड। तो प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम सेम नंबर ऑफ टू ऑब्टेन दी प्राइमरी अमीन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप प्राइमरी अमाइड को इसकी रिडक्शन जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे किया, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस केस में कार्बन कार्बन सेम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो रिडक्शन अमाइड की, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे, डिफरेंस देखिए आप, ठीक है, सेम कार्बन नंबर एटम है, और लेकिन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में कार्बन एटम जो है लेसर आ गए, ठीक है, वन कार्बन एटम इज लेसर, ओके। सो बच्चे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन इज बाय गैब्रियल्स फथैलामाइड सिंथेसिस, और बच्चे ये मेथड हम यूज करते हैं प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और इसमें बच्चे बेसिकली तीन स्टेप आते हैं, तीन स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें हम फथैलामाइड यूज करते हैं, ठीक है। फथैलामाइड का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नेम आप खुद लिख लेना। फथैलामाइड ये होता है बच्चों, यहाँ पे NH आ जाएगा, ठीक है। तो ये फथैलामाइड है, फथैलामाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है, किसके साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे यहाँ पे पोटाशियम फथैलामाइड बनेगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो बेंजीन, ये सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे ही रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा पोटाशियम फथैलामाइड। पोटाशियम फथैलामाइड कैसे बना, यहाँ से हाइड्रोजन और इसका OH, ठीक है, वाटर यहाँ से निकल गया आफ्टर हीटिंग, तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH का यूज हुआ और पोटाशियम फथैलामाइड बना। ये पोटाशियम फथैलामाइड फर्दर बच्चे इसकी हम फिर रिएक्शन करवाते हैं जो सॉल्ट बना है विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड RX हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो इसमें एन अल्काइल ग्रुप एन अल्काइल फथैलामाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा जो KX है, ऐसे बाहर निकल जाएगा और N के साथ ये R ग्रुप लग गया, इसको हम बोलेंगे एन अल्काइल फथैलामाइड, ठीक है। एन अल्काइल फथैलामाइड जो प्रोडक्ट बना है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ आप यहाँ पे, क्या बना, एन अल्काइल फथैलामाइड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन अल्काइल का मतलब नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप लग गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये हाइड्रोलाइसिस होगी, आपको जो मिलेगा वो होगा प्योर प्योर अल्काइल प्योर प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, प्योर प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन होती है, और साथ में ये फथैलिक एसिड जो है साइड प्रोडक्ट ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस यहाँ से फॉर्मेशन कर सकते हैं। और बच्चे एक बात है, इसकी लिमिटेशंस है कि ओनली प्योर प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल सिंथेसिस, जो एनिलीन है वो भी हम यहाँ से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसका कारण क्या रहता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि इस मेथड से जो अराइल हैलाइड की, क्योंकि ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा था ना, अभी हमने किया यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है,
तो अल्काइल हैलाइड की जगह अगर एराइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एराइल हैलाइड में आपको पता है रेजोनेंस होने के कारण कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चे उसको क्लीवेज जो है सी एक्स बॉन्ड की ईजी नहीं रहती है वहाँ पे विद पोटाशियम फिथैलामाइड, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन वहाँ पे फिर रिएक्शन जो है वो एन फिथाइल फिथैलामाइड नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से एनिलीन फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, एनिलीन प्रोडक्ट जो है नहीं बनता। आगे हैं बच्चे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें सबसे पहले आ गई लोअर मेंबर्स जो हैं एलिफेटिक अमाइंस के, ये ज़्यादातर गैसेस होते हैं विद फिशी स्मेल और प्राइमरी अमीन्स विद थ्री और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि दे कैन फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो जिसकी वजह से बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करती है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी अमीन के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे, और बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अगर तीनों की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमाइंस के ज़्यादा होंगे। प्राइमरी अमाइन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन ग्रुप है जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट विल बी मोर एक्सटेंसिव, ठीक है। उसके बाद बच्चे आता है अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन बच्चे अमाइन प्राइमरी अमीन की बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी अमीन का अगर वाटर सॉल्युबल है तो ये क्या है क्वार्टनरी सॉल्ट यहाँ पे बनेगा लाइक दिस, ठीक है, प्लस साथ में क्या होगा OH नेगेटिव आयन्स, ठीक है जी। तो इसमें Kb की वैल्यू अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाइन की प्राइमरी अमीन की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, ये Kb क्या है, Kb बेसिकली है क्या, दिस इज द डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट फॉर ऑफ ए बेस, ठीक है, बेस या फिर उसकी बेसिसिटी कांस्टेंट भी हम इसको बोल देंगे। तो जितनी के बी की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है, उतना बच्चे वो क्या है स्ट्रॉन्गर बेस वहाँ पे होना है, तो स्ट्रॉन्गर बेस हैव द लार्जर वैल्यू ऑफ के बी, ये याद रखना है, ओके। अब आप लोगों को ये भी पता है कि के बी जो है इट इज़ रिलेटेड विद द पी के, पी के साथ कैसे रिलेट करता है, तो पी के इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी कंसंट्रेशन, ठीक है, तो के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा पी के बी की वैल्यू उतनी कम होगी, तो इसकी वैल्यू लोअर, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हायर फॉर दी केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो के बी की वैल्यू है हायर होगी और पी के की वैल्यू लोअर होनी है। तो अमाइंस जितने भी हैं बच्चे लुइस बेस एक्ट कर सकते हैं, कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, और लोन पेयर होने के कारण इस इनकी बेस इनका बेसिक करैक्टर जो है ज़्यादा रहता है, ओके। उसके बाद बच्चों अगर हम कंपैरिजन करें कर लेते हैं बच्चे अल्काइल अमाइंस और अमोनिया के केस में, तो अमोनिया का केस आपको पता है कि अमोनिया की स्ट्रक्चर नो डाउट यहाँ पे ये आएगी पिरामिडल शेप, और अगर हम बात करें अल्काइल अमाइन की तो अल्काइल अमाइन में प्राइमरी अमीन की ही बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी अमीन के केस में बच्चे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब एक अल्काइल ग्रुप होने के कारण यहाँ पे रहेगा बच्चे प्लस आई इफेक्ट, आपको पता है बेसिक नेचर इज ड्यू टू दिस लोन पेयर, ठीक है, तो लोन पेयर डेंसिटी जो है वो ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर वो इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब जो प्राइमरी अमीन है दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन वो भी ज़्यादा बेसिक होंगे अमोनिया से, ठीक है, मैं अमोनिया के साथ इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, ओके, और टर्शियरी अमीन दे विल बी मोर बेसिक देन दी अमोनिया ऑल्सो, ठीक है, तो अमोनिया वीक बेस हो गया, बाकी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है इनकी इनकी बेसिक नेचर जो है ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो बच्चे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइन हमने कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस भी कर ली, उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ जो रहेगी वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।